हाई वी आर रीडिंग दिस क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस बुक इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ सेकेंड है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ इज एग्जीक्यूटिव फिफ्थ है लजिस्लेचर सिक्स्थ है जुडिशरी और अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेरे के सी वेरे साहब इंडिया जो है दैट इज कु फेडरल इन नेचर तो वी विल टॉक अबाउट दिस फेडरलिज्म इन दिस चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन फेडरलिज्म इंट्रोडक्शन सी लुक एट द पॉलिटिकल मैप और नेक्स्ट टू पेजेस ऑफ इंडिया उन्नीस सौ सैंतालीस का एंड दो हजार सत्रह का दे हैव चेंजड ड्रामेटिकली ओवर द ईयर बाउंड्रीज जो हैं स्टेट्स की वो चेंज हुई नेम ऑफ स्टेट्स चेंज हुए एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स भी चेंज हुए प्रजेंटली ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं और एट यूनियन टेरेटरी है वैन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वी हैड अ नंबर ऑफ प्रोविंस बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे डेट द ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑर्गेनाइज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रोविंस थे एंड अपार्ट फ्राम दो प्रोविसेज प्रिंसली स्टेट्स भी थे सो दैन अंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विद द न्यूली इंडिपेंडेंट यूनियन एंड दीज वर ज्वाइंट टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंज तो इन प्रोविंज में ये प्रिंसली स्टेट्स भी मर्ज हो गए दिस इज वॉट यू सी इन द फर्स्ट मैप सिंस दैन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव बिन री ऑर्गेनाइज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड नॉट ओनली डिट बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स चेंज बट कुछ केसेज में इवन उनके नाम भी चेंज हुए हैं कुछ स्टेट्स के नाम बदल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल ऑफ़ दोज स्टेट्स सो द मैसूर का जो नाम है वो कर्नाटका हुआ मद्रास बन गया तमिलनाडु द मैप शोज दीज लार्ज स्केल चेंजेस दैट है प्लेस ये कुछ सेवेंटी ईयर्स में ये सारे चेंजेस हुए हैं सो इन अ वे दीज मैप्स ऑल्सो टेल्स अस द स्टोरी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया सो देर इज अ सेंटर एंड देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स तो ये बताता है इंडिया का फेडरल नेचर आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोविंग कि फेडरलिज्म क्या होता है फेडरल प्रोविजन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इशूज़ क्या इन्वॉल्व हैं इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट सेंटर और स्टेट लास्ट चैप्टर में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जरिस्डिक्शन तो सेंटर और स्टेट में अक्सर क्लैशेज़ होते हैं जैसे अभी जी एस टी रिलेटेड इशूज़ हैं सो इन सब में क्या नया अभी डेवलपमेंट हुआ स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स दिया गया है एंड द डिस्टिंक्ट कम्पोजिशन है और हिस्टोरिकल फीचर्स हैं सो दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर तो जैसे ये 1947 का इंडिया था प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे देन ये 2017 का इंडिया है ऑल अभी 2020 है और यहाँ पे भी फर्दर चेंजेस हुए हैं सो द पॉइंट इज़ ये इंडिया के इतने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28 एट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ये चेंज होता रहता है सो वॉट इज फेडरलिज्म इंडिया जो है ना दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स तो जो ये स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये मर्जर इनका पॉसिबल है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज पॉसिबल सो वॉट इज फेडरलिज्म यू एस एस आर वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर बट नाइनटीन एटी नाइन के बाद इट सिंपली ब्रोकअप इन टू सेवरल इंडिपेंडेंट बाउंड कंट्रीज यूएसएसआर जो था 1989 में डिसंटीग्रेशन हुआ बल्कनाइजेशन हुआ और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में ब्रेकअप हो गया वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इट्स ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर अदर रीजनस तो यहाँ क्या था डाइवर्सिटी थी और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया था रशिया में सो एज ए रिजल्ट आफ्टर सम टाइम ये डिसंटीग्रेशन हुआ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस थी कल्चर्स थी जैसे उज्बेकिस्तान का सम अदर कंट्रीज जैसे चेको स्लोवाकिया युगोस्लाविया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैड अ फेस अ डिविज़न ऑफ द कंट्री हैड टू फेस अ डिविज़न ऑफ द कंट्री कैनेडा केम वेरी क्लोज टू अ ब्रेकअप बिटवीन द इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन ऑफ दैट कंट्री कैनेडा में भी ऐसा क्लोज हो गए थे कि इंग्लिश स्पीकिंग डिफरेंट हो गया और फ्रेंच स्पीकिंग डिफरेंट हो गया वाई बिकॉज डिफरेंसेज हैं बहुत ज़्यादा सो इजेंट इट अ ग्रेट अचीवमेंट दैट इंडिया विच इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन नाइनटीन फोर्टी सेवन में और इतने डेकेट्स हो गए हैं पेनफुल पार्टीशन के बाद ये इमर्ज हुआ था बट अभी भी हम रिमेंड यूनाइटेड हैं ओवर सिक्स सेवन डेकेट्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वॉट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका रीजन क्या है वॉट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट कैन वी एट्रीब्यूटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस दैट वी इन इंडिया अडोप्टेड थ्रू अवर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये एक इसका बहुत बड़ा फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर ने हमें यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है सो ऑल द कंट्रीज मैंशन अबाउट वेडरेशन येट दे कु नॉट रिमेन यूनाइटेड देयर फोर अडोप्टेड जो अडोप्शन किया हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का अपार्ट फ्रॉम एडोप्टिंगेडरल कॉन्स्टिट्यूशन

1958 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इन टू बी इट हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट और इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट वॉज इंडिपेंडेंट तो ये एक फेडरेशन है फेडरेशन मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं दे हैव डिसाइडेड एक फॉर्मल अग्रीमेंट एक्सेट्रा के साथ इन्होंने एक साथ यूनाइटेड होने का डिसीजन लिया है सो दीज फीचर्स एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग द यूनिट लेट टू फॉर्मल डिजोल्यूशन ऑफ द फेडरेशन इन नाइनटीन सिक्सटी टू सेवेंटी थ्री में ट्रीटी ऑफ यहाँ पे हुआ इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हुआ देन यहाँ पे एक फॉर्म कॉमन लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट कॉमन करेंसी इन्होंने बात किया बनाने का कैरेबियन कम्युनिटी से इन्होंने यूनिक आइडेंटिटी डेवलप किया कैरेबियन कम्युनिटी हुआ कॉमन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स हेड्स सारे इन्होंने बनाए तो दस द यूनिट्स कुड नीदर लिव टूगेदर एज वन कंट्री नॉर कैन दे लिव सेपरेटली तो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस दे है अगर हम आगे बात करें तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रपोर्शन और इमेंस डाइवर्सिटीज ये स्मॉलर कंट्रीज हैं इंडिया इज ह्यूज इन साइज देर आर मोर देन ट्वेंटी मेजर लैंग्वेजेज इन सेवरल हंड्रेड माइनर वन बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है हमारे यहाँ इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजनस डिफरेंट डाइवर्सिटी रिलीजन में भी है देर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनस पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ट्राइबल्स भी हैं हमारे यहाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज वी शेयर अ कॉमन लैंड मास। वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन कॉमन हिस्ट्री हिस्ट्री कॉमन है एस्पेषली जब हमने इंडिपेंडेंस का फाइट किया था तो ऐसा कहते हैं कि जब स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हमने किया तो इट फोर्ज अस इंटू वन नेशन इंडिया

टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन तो फेडरलिज्म के भी बहुत सारे वेरियंट हो सकते हैं रादर फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन टाइम स्पेस कंडीशन के अकॉर्डिंगली फेडरल federal के फेडरलिज्म के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स पॉसिबल है अमेरिकन जो फेडरलिज्म होता है वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटैप्ट टू बिल्डअप फेडरल पॉलिटी ये डिफरेंट है जर्मन से और इंडियन फेडरलिज्म से जैसे अमेरिकन फेडरलिज्म है इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इनके 50 स्टेट्स का सो दैट इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बट इंडियन फेडरलिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट बट देर आर ऑल्सो की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म सो लेट टॉक अबाउट दैम एसेंशियली जो फेडरलिज्म होता है ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है टू अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज एक साथ लाना सेम प्लेटफॉर्म पे लाना ये फेडरलिज्म का पर्पज होता है वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट द नेशनल लेवल तो मतलब रीजनल लेवल में भी एक आइडेंटिटीज हो रही है और एक नेशनल लेवल की भी आइडेंटिटी है तो दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म स्टेट्स है इंडिया में और साथ ही साथ एक कंट्री भी है नेशन भी है ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्फेयर राज्य की सरकार होती है और इन सम फेडरल कंट्री देर इज इवन अ सिस्टम ऑफ डूअल सिटीजनशिप भी होता है बट इंडिया में ऐसा नहीं है हमारे यहाँ केवल एक ही सिटीजनशिप है और वो है इंडियन द पीपल लाइकवाइज लॉयल्टीज एक होती है लोकल और एक होती है नेशनल दे बिलोंग टू अ रीजन एज वेल एज नेशन फॉर एग्जाम्पल गुजराती भी हैं झारखंडी भी हैं और इसी के साथ साथ वो इंडियन भी हैं ईच लेवल ऑफ द पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर राज्य स्तर पर डिफरेंट पावर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एक सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है

तो सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं विच कंसर्न द नेशन एज अ होल फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफेंस या करेंसी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है तो इधर क्या होता है फेडरल में कि डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स हुए एक सेंट्रल लिस्ट एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट तो जो सब्जेक्ट्स नेशन लेवल के हैं वो आते हैं दिस सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में

टू सेटल डिस्प्यूट्स तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है जैसे कि इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, है और वो सेटल करेगी डिस्प्यूट्स को जुडिशरी हैज द पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन लीगल मैटर अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर तो जब भी ये डिफरेंस आता है सेंटर और स्टेट में तो ये मैटर सॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है रियल पॉलिटिक्स है कल्चर है आइडियोलॉजी है हिस्ट्री है ये डिटरमाइन करती है एक्चुअल वर्किंग ऑफ अ फेडरेशन कल्चर ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए कोऑपरेशन म्यूचुअल रेस्पेक्ट और रिस्ट्रेंट होना चाहिए हेल्प्स फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली ये बात भी होती है कि दैट्स वाई यूनिटी होनी चाहिए इन दीज ऑल डाइवर्सिटीज पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन अ वे द वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमाइन करती हैं इफ़ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप स्टेट पे, भाषा के बेसिस पे आइडियोलॉजी के बेसिस पे रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है डोमिनेट कर रहा है एंटायर फेडरेशन को तो इट कुड जनरेट अ डीप रिसेंटमेंट अमंग पीपल और इट्स यूनिट नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस तो देर हैज टू तो बी सर्टेन कनेक्टिविटी होनी चाहिए अदरवाइज फिशर्स डेवलप होने लग जाते हैं दीज सिचुएशन कुड लीड टू डिमांड फॉर सेसेशन बाय द अग्रीव यूनिट जिस स्टेट को नेगलेक्ट किया जिस सेक्शन को नेगलेक्ट किया रीजन को नेगलेक्ट किया तो वहाँ पर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज आने लग जाती है दैट इज़ वाई कलेक्टिव एफर्ट्स कलेक्टिव डायरेक्शन में मूव फॉर्वर्ड इज एसेंशियल मैनी कंट्रीज आर एम्ब्रॉयड इन सच कॉन्फ्लिक्टचुएशन तो दिस इज नथिंग न्यू ऐसा अक्सर देखा गया है सो यस आई रिमेंबर वॉट वी रेड इन द फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है हु शुड हैव हाउ मच पावर तो दैट इज वाई जुडिशरी और साथ ही साथ एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये एसेंशियल होते हैं फेडरलिज्म में जैसे गवर्नर्स हैव बीन इन पावर वी टू वांट एन इंडिपेंडेंट पर्सन अक्सर जो गवर्नर्स होते हैं इसमें क्लैश हो जाता है सेंटर और स्टेट पे तो जैसे फेडरलिज्म नाइजीरिया की बात करें यहाँ पे हैं रीजन हैं वेरियस कम्युनिटीज हैं दे डो नॉट ट्रस्ट ईच अदर फेडरल अरेंजमेंट भी यहाँ पे फेल हो गया टू प्रोड्यूस यूनिटी तो द एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया इज इंस्ट्रक्टिव टिल 1914 नॉर्थ और साउथ नाइजीरिया में दो सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीस थी इबादन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुआ नाइजीरिया के लीडर्स ने डिसाइड किया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तीन मेजर एथनिक ग्रुप्स थे नाइजीरिया का योरूबा इबो एंड दिस वन कंट्रोल द रीजन ऑफ द वेस्ट ये वेस्ट में थे ईस्ट नॉर्थ रेस्पेक्टिवली अब ये एक साथ आने की कोशिश करेंगे देअर अटैम्प टू स्प्रेड द इन्फ्लुएंस टू द अदर रीजन लेट टू फियर्स इन कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री रिजीम आया देन यहाँ पे क्लैशेज हुए देन डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ नाइनटीन नाइनटी नाइन में रिलीजियस डिफरेंसेज अभी भी हैं कॉन्फ्लिक्स से हु कंट्रोल रेवेन्यू ऑयल सोर्सेज यहाँ पर है एंड इनमें यह प्रॉब्लम टसल था कि ऑयल रिसोर्स कॉन् कनेक्ट करेगा कलेक्ट करेगा इतनी कम्युनिटीज ने रजिस्ट किया सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ़ द ऑयल रिसोर्स तो नाइजीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैप ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेज हैं अलग अलग आइडेंटिटी है डिफरेंसेस नहीं अलग आइडेंटिटीज हैं एथनिक आइडेंटिटीज हैं और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हैं अमंग द यूनिट और ये टुगेदर फिर अब ये ट्राई करेंगे फेडरलिज्म में आने का सो डिसाइड्स द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स रिजॉल्व इन अ फेडरेशन ये इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पावरफुल स्ट्रांग इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होती है तो फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें हमने नाइजीरिया देखा वेस्ट इंडीज देखा अब हम देखते हैं फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के भी पहले मोस्ट लीडर्स ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट वर अवेयर उनको पता था दैट टू गवर्न अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया इट वुड बी नेसेसरी कि डिवीजन ऑफ पावर जरूरी है डिवाइड द पावर बिटवीन प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंटर होगा और बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे देर वॉज ऑल्सो अवेयरनेस दैट इंडियन सोसाइटी हैड रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं लिंग्विस्टिक डायवर्सिटीज़ हैं ये डाइवर्सिटी नीडेड रिकोगनीशन और पीपल ऑफ़ डिफरेंट रीजन और लैंग्वेजेज जो हैं उनको पावर उनके साथ शेयर करना ज़रूरी होगा हर रीजन में पीपल ऑफ़ दैट रीजन शुड गवर्न देम सेल्फ फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में यहाँ तमिल है यहाँ मराठी है देन यहाँ पर कश्मीर है तो इनको इंडिपेंडेंट यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी देना जरूरी है पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देम सेल्व दिस वॉज ऑनली लॉजिकल इफ वी वॉन्टेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ये स्टेप्स हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री के दे वर वेरी क्लियर विद दिस थिंग द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्वेश्चन जो था कि ये था वॉट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर पावर डिवॉल्यूशन जरूरी है बट कितना डिवॉल्व करना है ये सवाल था टू बी एंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट सो इन व्यू ऑफ द एजिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ टू गिव वेरी लार्ज पावर्स टू द रीजन हुआ ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिफोर पार्टीशन वंस द डिसीज़न टू पार्टीशन ऑफ इंडिया टेकन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने डिसाइड किया कि हम फ्रेम करेंगे गवर्नमेंट को दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन दीज आर वेरी पॉवरफुल की वर्ड्स यूनिटी एंड कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट सेपरेट पावर्स होंगी स्टेट्स के लिए सेपरेट पावर्स लाइक सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्ेंट लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो था प्रिंसिपल दैट रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन तो दैट इज वाई हम किसकी तरफ आगे बढ़े फेडरल कोऑपरेशन हमारा प्राइमरी मोटिव था दस वेल रिकोगनाइजिंग डायवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पेसाइज किया कि यूनिटी है डायवर्सिटी इज देयर वी अप्रिशिएट दैट बट एट द सेम टाइम देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारा एम्पेसिस है सो डू यू नो फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मैंशन द वर्ड फेडरेशन ये कहीं वर्ड लिखा नहीं है दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया तो आर्टिकल वन बोलता है इंडिया इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम हम क्या हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं द स्टेट्स एंड द टेरेटोरी देर फोर्स शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में ये सब स्पेसिफाइड है सो दिस इज द आर्टिकल वन अब पावर का डिवॉल्यूशन होना है डिविजन ऑफ पावर होना है नाउ आई फील दैट स्टेट्स वुड हैव वेरी लिटिल मनी ऑफ द ओन हाउ कैन दे मैनेज देअर अफेयर्स इट इज़ लाइक सम फैमिलीज वैथ द मनीज विद द हजबैंड एंड द वाइफ हैज टू मैनेज द हाउस होल्ड तो यहाँ पे एक जो फिजिकल स्पेस आता है यहाँ पे भी फिजिकल ऑपरेशन फिजिकल फेडरलिज्म की बात होती है जैसे आर्टिकल 280 आता है नाउ दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ पावर दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन फॉर द एंटायर नेशन कॉल द यूनियन गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट होती है एंड वन फॉर ईच यूनिट ये होती है स्टेट गवर्नमेंट जैसे विधानसभा होती हैं बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है क्लियरली आइडेंटिफाइड है इनका एरिया ऑफ एक्टिविटी भी इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पॉवर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन एंड विच अंडर द स्टेट ये जो भी डिस्प्यूट होंगे ये रिजोल्व होंगे बाई द जुडिशरी और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो जुडिशरी भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन होती है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डी मार्केट सब्जेक्ट ये जरूरी है वेन टू डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टूगेदर तो क्लियर डी मार्केशन ऑफ होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर्स का सो दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डी मार्केट सब्जेक्ट्स विच आर अंडर द एक्सक्लूजिव डोमेन ऑफ द यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट्स स्टेट का वर्क डिफाइंड है और यूनियन का वर्क भी डिफाइंड है सो दैट देर इज नो स्कोप ऑफ एनी क्लैशेज स्टडी द चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज केयरफुली इट शोज हाउ पॉवर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिवीजन ऑफ पावर जरूरी है वो हमने किया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर सेंट्रलाइज्ड है इन हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिवीज़न ऑफ पावर भी इस तरीके से गया किया गया है कि जैसे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर है वो सेंटर उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के पास सोर्सेज काफ़ी कम होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के स्टेट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे आर मीगर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइन्टीन में स्टेट्स को ट्रिपल वैमी हुआ एक तो लॉकडाउन के कारण इनके रेवेन्यू ड्राई हो गए सेकेंड कोविड नाइन्टीन के कारण एक्सपेंसेस बढ़ गए एंड थर्ड इनके पास हॉस्पिटल्स एंड ऑल की भी इन्हें इश्यूज़ होने लग गए तो ये काफ़ी बड़ा इन्हें चैलेंज हुआ इवन जो जीएसटी का डिवॉल्यूशन था वो भी कम हो रहा था टाइमली नहीं हो रहा था तो वो भी स्टेट की जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको ड्राई अप कर दिया ना चेक योर प्रोग्रेस में नीड फॉर मेन्शनिंग रेसिड्यूरी पावर सेपरेटली रेसिड्यूरी पावर यूनियन को दी गई है वाई डू द स्टेट्स फील डिसटिस्फाइड अबाउट द डिविजन ऑफ पावर बिकॉज इनके पास जो ऑटोनॉमी है एरिया ऑफ स्कोप है स्पेशली इकोनॉमिक स्पेस में वो काफ़ी कम हो जाता है स्टेट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर में स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में ये लिस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये है यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर दिस इज स्टेट लिस्ट मतलब राज्य और ये कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें राज्य और स्टेट स्टेट और सेंटर दोनों का पावर रहेगा यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं अब इसमें ध्यान रखना है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मिटी चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस स्केल के हैं वो यूनियन लिस्ट में होंगे फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ इंडिया होता है एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया है फॉरेन अफेयर्स सेंटर के पास है वॉर एंड पीस सेंटर के पास है बैंकिंग पूरे कंट्री में एक जैसा होगा रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ एयरवे पोर्ट फॉरन ट्रेड करेंसी एंड कॉइनेज तो ये सारी जो बातें होती हैं जो नेशनल लेवल की हैं वो यूनियन लिस्ट में आती है यूनियन लजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर तो दैट इज़ वाई जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इनपे लॉज बनाएगी स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे वहाँ की एग्रीकल्चर वहाँ का पुलिसिंग प्रिजन लोकल गवर्नमेंट वहाँ की पब्लिक हेल्थ लैंड लकर लस लेकर अभी टैक्सेशन हमने पढ़े थे ट्रेड एंड कॉमर्स लाइफ स्टॉक एंड एनिमल एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज तो ये सारी जो लिस्ट है दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट आप बताओ इसमें कितने मैटर्स हैं इसमें कितने मैटर्स हैं और इसमें कितने मैटर्स है राइट नाउट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नॉर्मली ओनली द स्टेट लजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर अब कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है कि इसमें स्टेट भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है जैसे कि एजुकेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन एडल्टरेशन एडॉपशन एंड सक्सेशन तो ये रीजनल मैटर भी हो सकते हैं और ओवरलैप नेशनल लेवल पर भी हैं तो इसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और लोकल विधानसभा भी वहाँ की लॉ बना सकती है स्टेट असेंबली अब आते हैं रेसिडरी पावर मतलब जो इन लिस्ट में मेंशन नहीं है ऑल अदर मैटर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट जैसे कि साइबर लॉ ये नया लॉज आया तो इनमें जो भी रेसिड्योरी पावर है वो यूनियन लेजिस्लेचर की केवल उसमें लॉज बना पाएगी तो दिस इज अबाउट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और ये है रेसिडरी पावर नाउ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉग सेंट्रल गवर्नमेंट तो दैट इज़ वाई हमारे यहाँ क्वाजी फेडरलिज्म है हमारे यहाँ फेडरलिज्म भी है और यूनियन फीचर्स भी हैं जनरली एक्सेप्टेड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन ह्यूज कंट्री विद इमेंस डायवर्सिटी इन सोशल प्रॉब्लम्स भी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पता था देट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड अकोमोडेट डायवर्सिटी डायवर्सिटी को वो अकोमोडेट करेगा बट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट अ स्ट्रांग सेंटर टू स्टेम डिसइंटीग्रेशन सेंटर जरूरी है स्ट्रांग रहना अदरवाइज क्या होता है सेसेशनिस्ट टेंडेंसी आती है डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए स्ट्रांग किया सेंटर को ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी इट वॉज नेसेसरी फॉर द सेंटर टू हैव सच पावर्स बिकॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डिवाइडेड था बहुत सारे प्रोविसेस थे क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश थे राजा महाराजा रजवाड़े थे बट दे वर मोर देन फाइव हंड्रेड प्रिंसली स्टेट्स थे विच हैड टू बी इंटीग्रेटेड इन टू एग्जिस्टिंग तो ये रजवाड़े थे फाइव हंड्रेड प्रिंसली स्टेट्स वाले और ये ब्रिटिश प्रोविंस थे तो इंडिया एक ब्रिटिश प्रोविंस वाला इंडिया था और एक इंडिया था इन प्रिंसली स्टेट्स वाला इन दोनों को मर्ज किया जाएगा एग्जिटिंग स्टेट्स और न्यू स्टेट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पे कृष्णा चारी जी ने कहा है कि लेट मी टेल माई ऑनरेबल फ्रेंड्स इन द हाउस दैट द ड्रिफ्ट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टूवर्ड्स द सेंटर यूजली ऐसा होता है फेडरलिज्म में सेंटर ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है पावर ज्यादा सेंटर के पास अक्यूमलेट होने लग जाती है बिकॉज ऑफ सरकमस्टेंस दैट हैव कम दैट द स्टेट्स हैव बिकम फेडरल और यूनिटरी वेलफेयर स्टेट्स फ्रॉम बींग पुलिस स्टेट एंड द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द इकोनॉमिक वेलफिंग ऑफ द कंट्री पैरामाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर होगा तो सेंटर के पास कुछ एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लाइक डिफेंस सेफ्टी बेसिक जो है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के इनको डिफेंड करना और आपस में यूनाइट करना सो दैट इज वाई हमारे यहाँ टिल्ट है सेंटर इज लिटिल बिट मोर सेंट्रलाइज ज्यादा पावर है इन कंपेरिजन टू दिस स्टेट पॉवर्स बिसाइड द कंसर्न फॉर यूनिटी द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग बनाया इन कोऑपरेशन विद द स्टेट्स पोवर्टी इलिटरेसी इनक्वेलिटी वेल्थ व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन तो इन सब चीजों के लिए प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो दैट इज बाय सेंटर का रोल बढ़ जाएगा कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रॉम्प्ट किया मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टू क्रिएट अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट इज वाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दी लेट एस लुक एट द इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि यह फीचर्स बता रहा है कि सेंट्रल क्यों ज्यादा स्ट्रांग है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट जैसे कि उसकी स्टेट की टेरिटोरी इंटीग्रिटी ये सब पार्लियामेंट के हाथ में है जो स्टेट्स हैं ना ये कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट नया स्टेट बन सकता है सेपरेशन ऑफ टेरेटरी एक स्टेट से मिलाया दूसरे में मिला दिया यूनाइट कर दिया सो so, स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हम फॉर्म भी कर सकते हैं और डिजोल्व भी कर सकते हैं इट कैन ऑल्सो ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट बाउंड्री जो ऑल्टर है स्टेट का एरिया कम और ज्यादा भी हो सकता है इवन स्टेट का नाम भी बदल सकता है किन किन स्टेट का नाम चेंज हुआ है आफ्टर दिस नाइनटीन फोर्टी सेवन लेटेस्ट प्रिपेर लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर सम सेफ गार्ड बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर बट हमारे यहाँ ऐसा है कि आपको स्टेट से पहले एक बार पूछना भी पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं बट अगेन पार्लियामेंट इसमें ज्यादा सुप्रीम होती है पार्लियामेंट कैन गो अड कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन भी हैं जो स्टेट को फेडरल से पूरा कंप्लीटली यूनिटरी कर देते हैं विच कैन टर्न ओवर फेडरल पॉलिटी इंटू अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयरड तो इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेय है ये स्टेट पूरा पूरा हमारा हो जाता है दिस यूनिटरी इमरजेंसी में पावर बिकम्स लॉफुली सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें पार्लियामेंट एज्यूम कर लेती है पावर टू मेक लॉज सब्जेक्ट जो हैं जोरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट के तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें भी पार्लियामेंट मतलब सेंटर लॉज बनाने लग जाएगा नॉर्मल सर्कमस्टेंस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ़र्स्ट प्लेस में नॉर्मल भी जो सेंट्रल है उसके पास ज़्यादा पावर होता है फर्स्ट प्लेस में आइटम्स जैसे रेवेन्यूज जो होता है वो पूरा सेंटर के हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू सोर्सेज ज़्यादा होते हैं स्टेट्स डिपेंडेंट होती है स्टेट्स को ग्रांट्स की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल असटेंस की जरूरत पड़ती है सेंटर से तो स्टेट डिपेंडेंट हो गए हैं सेंटर पर सेकेंडली इंडिया अडॉप्ट ने किया इंडिया ने पहले अडॉप्ट किया था प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट प्लानिंग कमीशन था रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बट ये प्लानिंग कमीशन का जो भी काम होता है ये सब सेंट्रलाइज था प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन हो गया इकोनॉमिक डिसीजन की कहाँ पे हमें प्लांट्स लगाने हैं कहाँ पे हमें दीज फैक्ट्रीज इंस्टॉल करनी है तो ये सब सेंट्रलाइज हो गया स्टेट्स का से कम हो गया प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज द कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी जो कंट्रोल और सुपरवाइज करती है रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट को तो दिस आल्सो हैपन बिसाइड्स यूनियन गवर्नमेंट ने यूज किया अपना डिस्क्रिप्शन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू स्टेट अब जो सेंटर है वो किस राज्य को ग्रांट देगी किसको कितने फंड्स डिवॉल्व कर रही है इसमें सेंटर के पास भी डिस्क्रिप्शनरी पावर है तो इससे भी एक यहाँ पे डिपेंडेंसी हो गई स्टेट्स की ऑन सेंटर

इनके पास पावर होता है अंडर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर रिकमेंड कर सकते हैं डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिजोल्यूशन ऑफ़ द असेंबली बोल सकते हैं तो ये भी क्या कर रहा है शिफ्ट कर रहा है पावर को इन फेवर ऑफ सेंटर बिकॉज गवर्नर को कई बार एजेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है बिसाइड्स इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज भी गवर्नमेंट गवर्नर के पास पावर है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं जैसे पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया वो गवर्नर साहब के पास जाएगा साइन करने के लिए और गवर्नर ने कहा कि आई विल रिजर्व दिस बिल फॉर दिस सेंटर सेंटर से परमिशन लेना है तो स्टेट अब कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया सेंटर पर रिजर्व हो गया बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा ने उसको पास किया है बट गवर्नर ने ऑफ उस स्टेट को उसको रिजर्व कर दिया सेंटर के लिए तो अगेन डिपेंडेंसी ऑफ सेंटर हो गई सेंटर मतलब एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सो दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लजिस्लेशन और सेंट्रल इस तरीके से स्टेट को डिपेंडेंट बना देता है ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो भी लग जाता है कंप्लीटली तो स्टेट ऑटोनॉमी चली गई इनकी देयर में भी ओकेशन्स कुछ ओकेशंस ऐसे भी होते हैं जब सिचुएशन में डिमांड कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लजिसलेट ऑन मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरन अफेयर का कोई इशू है तो कई बार अगर राज्यसभा भी ये डिमांड कर रही है तो सेंटर भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में अपने रूल्स बना देगा ये पॉसिबल होता है जब रेटिफाइड बाय द राज्यसभा है सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो सुपीरियर हैं टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सेंट्रल बायस्ड है सेंटर की तरफ बायस्ड है पावर्स फर्दर मोर सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट को गवर्नमेंट देती इंस्ट्रक्शन देती है जैसे कोविड नाइन्टीन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे जो सर्कुलर्स हैं हमने देखा लॉकडाउन था एनडीए में की गाइडलाइंस के थ्रू हुआ तो ये जो हुआ फीचर्स हुए ये बताया कि सेंटर का काफ़ी ज़्यादा से हो जाता है इवन स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी फॉलोइ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स दिस क्लियर आर्टिकल टू फिफ्टी सेवन हम देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर हर स्टेट का शेल बी सो एक्सरसाइज स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज होना चाहिए नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन मतलब स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो यूनियन की पावर को कम करे एंड द एगजीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल एक्सटेंड टू द गिंग ऑफ सच डायरेक्शन टू अ स्टेट एज मे अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट परपज क्लियरली देर इज अ बायस टूवर्ड सेंटर सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ गए हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन एग्जीक्यूटिव में दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे यहाँ जो जैसे सेंट्रल आई एस आई पी एस पॉवर भी हैं पोस्ट हैं ये क्या है सेंट्रलाइज टेंडेंसी है इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर्स चोजन फॉर दिज सर्विस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट तो ये ऑल ओवर इंडिया प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं और ये इनका डेप्यूटेशन और ये जा रहे हैं कार्डर में स्टेट में और फिर वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं दस एन आई एस ऑफिसर हू बिकम द कलेक्टर और एन आई पी एस ऑफिसर हू सर्व एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए स्टेट्स कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इनपे एक्शंस भी नहीं हो सकते इनको भी एजेंट ऑफ सेंटर कई बार बोला जाता है तो स्टेट्स कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर कैन दे रिमूव दीज ऑफिसर्स फ्रॉम सर्विसेज तो ये भी अगेन वन थिंग है ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी बता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल गवर्नमेंट अपीय टू मी टू बी ऑल पावरफुल दिस इज अ फैक्ट डोंट द स्टेट्स कंप्लेन अबाउट इट यस दे डू स्टेट्स अक्सर इस प्लेटफॉर्म में ये बात उठाते हैं कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है पावर का और एस्पेशली दिस रेवेन्यूज का फिजिकल स्पेस का आर्टिकल 33 एंड 34 फोर ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू प्रोटेक्ट पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और अ स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग द मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर तो आर्टिकल थर्टी थ्री ने क्या किया ये जो पर्सनल है इनको भी प्रोटेक्शन दिया है पार्लियामेंट पर्सनस को सर्विस यूनियन स्टेट की प्रोटेक्ट कर सकती है ड्यूरिंग मार्शल लॉ जब इन्हें रिस्टोर करना है ऑर्डर ऑफ सर्टेन एरिया तो थर्टी थ्री भी अगेन सेंट्रलाइज टेंडेंसी हो रही है ये प्रोविज़न फर्दर स्ट्रेंदन करते हैं पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है आफ्सपा ज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिज प्रोविजन ये एक्ट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द पीपल एंड द आर्म फोर्स ऑन वन थिंग नाउ दो रीजनज हैं क्लेम दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और दिस फेडरल भी है दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल बट फेडरल में जो है टिल्ट वो ज्यादा है स्ट्रांग सेंटर मेक्स द स्टेट्स वीक स्ट्रॉग स्टेट विल वीकन देंटर नाउ दिस इज अगेन क्वेश्चन तो कॉन्फ्लिक्ट आता है इंडिया में फेडरल सिस्टम का प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि वी हैव सीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड है वेरी स्ट्रांग पावर सेंटर में सेंटर में पावर ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन को येट ज़्यादा पावर देता है सेंटर को सो वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट हो गई ये क्वाइट नेचुरल है कि स्टेट वुड एक्सपेक्ट ग्रेटर रूल स्टेट का ज़्यादा डिमांड होगा कि हमें ज़्यादा से दो पावर ज़्यादा डिवोल्यूशन होना चाहिए गवर्नेंस में हमें ऑटोनॉमी दो एंड द कंट्री एज अ होल सो दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट और सेंटर उसे फुल नहीं कर पाएगा फुलफिल नहीं होगा तो टाइम टू टाइम स्टेट्स डिमांड करते हैं दे शुड बी गिवन मोर पावर एंड मोर ऑटोनॉमी दिस लीड्स टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो इससे टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैन बी रिजोल्व बाय द जुडिशरी और ये जो टेंशन होते हैं इनका रिजोल्यूशन होता है बाय जुडिशरी डिमांड्स फॉर द ऑटोनॉमी आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर कई बार डिफरेंट पार्टीज होती हैं स्टेट में और सेंटर में तो क्लैश और ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड नीड टू बी रिजोल्व थ्रू नेगोशियेशन की ज़रूरत पड़ती है और जुडिशरी एज एन एम्पायर है एज एन इंडिपेंडेंट वर्क करती है टू री स्टोर द बैलेंस इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सेंटर स्टेट के रिलेशंस की बातें करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक स्केलेटन बनाया मतलब एक ढांचा बना दिया है इस तरीके से ये काम होगा इसका जो फ्लैश है ब्लड है ये पॉलिटिक्स प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स है बहुत सारे फिर लॉज आएंगे कन्वेंशन होगी सरकार या ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फिर डिफाइन करती है सेंटर स्टेट रिलेशन को सो फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ टू अ लार्ज एक्सटेंड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेकेड्स में हमने देखा है ये रिलेशन मॉडिफाई होता है 50s और 60s में फाउंडेशन ऑफ अ फेडरलिज्म था ये अंडर जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ने बनाया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस था मतलब कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है तो फ्रिक्शन नहीं होगा एक्सेप्ट ऑन द इश्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्यू स्टेट्स रिलेशन जो थे सेंटर और स्टेट में ये काफी नॉर्मल थे इस पीरियड में स्टेट होपफुल थे दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांटे नीड्स फ्रॉम द सेंटर बट देर वॉज कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म था अबाउट द पॉलिसीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजाइन बाय द सेंटर तो देवर इन सिंक ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है नाइनटीन सिक्सटीज में कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन हुआ स्टेट्स में एंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ऑपोजिशन पार्टी आ गई केम टू पावर इससे क्या हुआ डिमांड्स ज्यादा हुई स्टेट की ग्रेटर पावर ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए और दीज डिमांड्स वर अ डायरेक्ट फॉलो आउट ऑफ द फैक्ट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मेनी स्टेट तो जब स्टेट में पार्टी अलग है सेंटर में पार्टी अलग है तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वॉट दे सॉ एज अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल एंड द यहाँ पे कांग्रेस भी थी नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया गवर्नमेंट लेड बाय ओपोजिशन पार्टी तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज दू डिफरेंट पार्टीज हैं डिफरेंट फिलोसफीज हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं ये पिक्यूलर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ने बर्थ दिया डिस्कशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर अ फेडरल सिस्टम तो हम ऑटोनॉमी क्यों ना दे दें स्टेट्स को इन सर्टेन मैटर 1990s में कांग्रेस डोमिनेंस लार्जली एंड हुआ हमने एंटर किया इरा ऑफ कोलिशन में कोलिशन पॉलिटिक्स सेंटर में आई स्टेट्स में भी डिफरेंट पार्टीज आई नेशनल और रीजनल पार्टी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएंगी ग्रेटर से मांगेंगी स्टेट्स में रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी मांगेंगी बिगनिंग ऑफ मोर मेच्योर फेडरलिज्म की तरफ अब हम शिफ्ट होंगे तो सिक्सटीज़ से लेके नाइन्टीज तक आते आते ये फेडरल फीचर्स हैं ये इंक्रीज हुए मेच्योरिटी आई फेडरलिज्म में सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली तो पॉलिटिकली भी अब यहाँ पे डिमांड्स आने लग जाएंगी डिमांड्स आती हैं ऑटोनॉमी की स्टेट्स अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं कोविड नाइन्टीन के कॉन्टेक्स्ट में भी दिस इज

एक्चुअल पॉलिटिक्स डिसाइड्स द नेचर ऑफ अवर गवर्नमेंट नाउ दिस इज़ द ट्रुथ ये पॉलिटिक्स में ऐसा अक्सर होता है तो यहाँ पे हम आगे देखें तो ये डिमांड्स एक्सपेक्ट करती हैं कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए फेवर ऑफ स्टेट्स में होना चाहिए स्टेट्स जो हैं ये एज अ अपेंडिज नहीं होना चाहिए सेंटर के इंपॉर्टेंट पावर्स इनको अज़ाइन की जानी चाहिए कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु पंजाब वेस्ट बंगाल पार्टीज़ यहाँ पे डिफरेंट है इनकी डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी आती है डिमांड आती है स्टेट्स में कि उनको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये सबसे बड़ी डिमांड है कि रेवेन्यू फिजिकल स्पेस में इनको इंडिपेंडेंस चाहिए ग्रेटर कंट्रोल चाहिए रिसोर्सेज में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उन्हें चाहिए वेस्ट बंगाल में ऐसा डॉक्यूमेंट आया कि रीस्ट्रक्चर करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन को ऑटोनॉमी तमिलनाडु पंजाब में भी डिमांड हुआ फाइनेंशियल पावर स्पेशली में तीसरा एस्पेक्ट है कि डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं इसमें अक्सर फ्रिक्शन होता है

एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेज कल्चर इन स्टेंस फॉर दिस सो सम स्टेट फील करते हैं कि डोमिनेशन ऑफ हिंदी स्पीकिंग एरिया है उनमें ओवर द अदर और वो इसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ नाइनटीन सिक्सटीज एजिटेशन हुआ कुछ स्टेट्स में अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज नो जब इतनी डाइवर्सिटी है ना तो यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन एनी बडी अदरवाइज वहाँ पर प्रोटेस्टेंट दिस ऑपोजिशन होता है तो ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन नेशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी हैड टू अपील टू द हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस टू शो ग्रेटर टॉलरेंस टू अदर सो दैट सब कलेक्टिवली सेम पेज में आ सके आई नो दैट हिंदी इज इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डोंट नो हिंदी दिस इज वेरी वेरी ट्रू आई वॉज आई स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय वहाँ इतने सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्पेशली आर्मी केवीज में कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ये लोग एक साथ एक जगह कलेक्ट होते हैं तो ये डाइवर्सिटी है लैंग्वेज डिफरेंट है केरल है तमिलनाडु की है तमिल है मलयालम है नॉर्थ ईस्ट है पंजाबी है देर आर सो मेनी डाइवर्सिटी सो मच ऑफ डाइवर्सिटी नाउ दिस इज़ रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक होता है रोल ऑफ गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रोवर्सियल इशूज़ बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काफ़ी टसल होता है गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर गवर्नर जो होते हैं ये अपॉइंट होते हैं बाय सेंटर सो मेनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर सिविल सर्वेंट्स या इवन पॉलिटिशियंस भी हैं गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका जो एक्शन होता है गवर्नर का वो कई बार ऐसा माना जाता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सो जब दो डिफरेंट पार्टीज पावर में हैं सेंटर और स्टेट में तो जो रोल ऑफ गवर्नर है ये और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इसमें सरकारिया कमीशन आया अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को 83 रिपोर्ट 88 में आई थी कि एग्जामिन करें इश्यूज रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस रिकमेंड करें कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन होना जरूरी है नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए वो गवर्नर है वो स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो लिंक्ड नहीं हो तो ऐसी कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है पावर्स एंड रूल्स ऑफ गवर्नर कॉन्ट्रोवर्सियल होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल है आर्टिकल तीन सौ छप्पन आर्टिकल तीन सौ छप्पन में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है किसी भी स्टेट पे प्रोविजन है कि ये एक सिचुएशन आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ द जो स्टेट है वो इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फॉर एग्जांपल एक स्टेट ए है इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा इट रिजल्ट्स इन द टेक ओवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का टेक ओवर हो गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इज देयर सो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है ये रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट होता है ऑब्वियसली बट प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल थ्री ईयर्स ये भी प्रोविजन है गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली गवर्नर के पास पावर है वो डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंशन और डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली तो इसमें फ्रिक्शन पॉइंट आते हैं दिस हैज लेड टू मेनी कॉन्फ्लिक्ट सम एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट वर् डिसमिस्ड इवन दे हैड अ मेजोरिटी बट गवर्नर ने वहाँ पे एक्ट नहीं किया एज ए डेपेंड इन दिस स्टेट्स एज वेल तो सम केसेस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने रूल किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसीजन इस पर सवाल उठे प्रेसिडेंट रूल को एग्जामिन किया जुडिशरी ने भी तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है स्टेट और सेंटर में सी नेहरू वॉज अपॉइंटिंग गवर्नर सम वर रिलेक्टेड टू क्विट मिनिस्टरियल चेयर तो ऐसा एक जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है और प्रेसिडेंट रूल है ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है तीन सौ छप्पन में स्पेरिंगली यूज हुआ टिल नाइनटीन सिक्सटी सेवन तक बट सिक्सटी सेवन के बाद फिर से चेंजेस आए स्टेट्स नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस पावर स्टेट वॉज ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नर ने प्रिवेंट मेजोरिटी पार्टी कोलिशन फ्रॉम अज्यूमिंग ऑफिस तो इसका मिस भी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इन सब केसेस में फिर आता है डिमांड्स फॉर न्यू स्टेटी सी 1947 में हमारे यहाँ डिफरेंट नंबर्स अलग थे स्टेट के और अभी 2020 आते आते ये नंबर काफी बढ़ गया है डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स आती है द अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन इन अवर फेडरल सिस्टम हैज बीन द डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स नेशनल मूवमेंट में नॉट ओनली क्रिएटेड अ पैन इंडियन नेशनल यूनिटी इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिक्ट यूनिटी अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज तो लैंग्वेज एक हो जाता है आइडेंटिफिकेशन करने का रीजन और कल्चर भी अवर नेशनल मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी मतलब हर पर्सन हर सेक्शन का एक से होना चाहिए और रीजनलिज्म आ रहा है लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी हो रही है तो कई बार लैंग्वेज बेस्ड नया स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड होती है नेशनल मूवमेंट इट डिसाइडेड कि एज फार एज पॉसिबल स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ये हम रिकोगनाइज करेंगे कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फिफ्टी थ्री में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुआ रिकमेंड किया क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप में छप्पन में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ दिस सॉ दिग्निंग ऑफ क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर स्टेट्स बने और ये बनते रहे गुजरात महाराष्ट्र क्रिएट हुआ पंजाब हरियाणा बना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑर्गेनाइज हुए री ऑर्गेनाइज हुए मणिपुर त्रिपुरा मेघालय मिजोरम अरुणाचल ये सारे स्टेट्स यहाँ पर बने 2000 आते 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 समार्जर्स स्टेट्स व फर्दर डिडेड वो टू मीट द डिमांड फॉर अ सेपरेट अब स्टेट भी बड़ा हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट है तो स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए मध्य प्रदेश यूपी बिहार को डिवाइड किया और नए स्टेट्स बने सम रीजनस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड लाइक विदर्भा इन इन महाराष्ट्र बाद में तेलंगाना भी बनेगा देन जम्मू एंड कश्मीर और दिस लद्दाख ये दोनों दो डिफरेंट यूटी बनेंगे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं स्टेट्स आपस में लड़ाई भी होती है वेन द स्टेट्स कीप फाइटिंग विद द सेंटर ओवर ऑटोनॉमी शेयर इन रेवेन्यू रिसोर्स सेंटर से लड़ाई होती है कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं स्टेट्स के बीच में भी इट इज़ ट्रू कि जुडिशरी अगेन फिर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म लाती है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है रियलिटी नॉट जस्ट लीगल दीज डिस्प्यूट्स आर इन रियलिटी नॉट जस्ट लीगल ये अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने में आया है पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है देयर फॉर दे कैन बेस्ट बी रिजोल्व ओनली थ्रू नेगोशिएशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन दिस कर्नाटका एंड तमिलनाडु सो ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स आते हैं एक होता है बॉर्डर का स्टेट्स सर्टेन क्लेम्स करती है महाराष्ट्र और जैसे कर्नाटका में इशू है टेरिटोरी बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स में लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट तो कई बार जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ की पॉपुलेशन दूसरा लैंग्वेज बोल रही है और स्टेट का लैंग्वेज डिफरेंट है सो इट इज नॉट ईजी ये चीज ईजी नहीं है टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजोरिटी तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इस एरिया में भी वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगाम पे मणिपुर नागालैंड में भी सिमिलर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है हरियाणा अस्ट वाइल स्टेट ऑफ पंजाब से लेट टू डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट ओवर ब्रॉडर बॉर्डर एरिया में बट ओवर द कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़ भी एज वेल तो कॉमन इनका कैपिटल बन गया दिस सिटी टुडे हाउस इज द कैपिटल ऑफ बोथ दीज स्टेट्स 85 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि लीडरशिप ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग चंडीगढ़ वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू पंजाब बट ऐसा हुआ नहीं तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये ज़्यादा अबाउट सेंटिमेंट्स हैं अब सेंटिमेंट्स आते हैं तो फिर यहाँ पर एडमेंसी भी आती है एंड देन फिर ये इशूज कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं डिस्प्यूट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर काफ़ी सीरियस है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम कंसर्न स्टेट्स में सो यू माइट हैव हर्ड कि जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कावेरी आ रही है कर्नाटका टू तमिलनाडु इसके वाटर शेयरिंग में डिफ्रेंसेस आते हैं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ये मेजर टसल है तमिलनाडु और कर्नाटका में फार्मर्स दोनों स्टेट्स के डिपेंडेंट हैं कावेरी वाटर में और दोनों स्टेट के फार्मर्स को वाटर का रिक्वायरमेंट है बट वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स सो देर इज अ फाइट देर इज अ रिवर वाटर ट्राइब्यूनल टू सेटल वाटर डिस्प्यूट्स ये डिस्प्यूट्स है ये सुप्रीम कोर्ट में गया अनादर सिमिलर डिस्प्यूट गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है शेयरिंग वाटर ऑफ नर्मदा रिवर में तो रिवर जो होती है ये इंटर स्टेट होती है और इस रिवर वाटर शेयरिंग में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे रिवर्स मेजर रिसोर्सेज हैं डिस्प्यूट्स होते हैं रिवर वाटर में ये टेस्ट करता है पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट्स ऑफ द स्टेट्स अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविज़न दिया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है फेडरल अरेंजमेंट इंडिया में कि कुछ स्टेट्स को हम एक्स्ट्रा प्रोविज़न देंगे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा ये हमने पहले भी देखा है नोटेड इन द चैप्टर लेजिस्लेचर में साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट बींग डिफरेंट तो एक असिमेट्री हो जाती है यू कैन नॉट कंपेयर सिक्किम टू से यूपी साइज पॉपुलेशन दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस है तो दैट इज एन असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो एंश्योर करने के लिए मिनिमम रिप्रेजेंटेशन हर स्मॉलर स्टेट का अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं कि हम इक्विटी की तरफ बढ़े लार्जर स्टेट्स वुड गेट मोर रिप्रेजेंटेशन ऐसा है बट हमने कुछ स्टेट्स को फिर फर्दर स्पेशल प्रोविजन देंगे हम इन दिस केस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है डिवीजन ऑफ पावर ये कॉमन है टू ऑल द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम्पेशल प्रोविजन फॉर समेट गिवन देअर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोिकल सरकमस्टेंस मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन है परटेन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम नागालैंड अरुणाचल मिजोरम इनको स्पेशल प्रोविजन है साइजेबल इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है कल्चर है तो इनको दे विश टू रिटेन आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन में स्पेशल प्रोविजन है हावेवर दीज प्रोविजन जो हैंव नॉट बीन एबल टू स्टेम एलियनेशन एंड द इंसर्जेंसी आई इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी स्पेशल प्रोविजन हैं हिली स्टेट्स को दिए हैं बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ जो है बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट टेन हेम्पर्ड होती है हिमाचल प्रदेश को दिया आंध्र गोवा गुजरात महाराष्ट्र सिक्किम एंड तेलंगाना के भी कुछ एरियाज़ हैं तो इनको भी स्पेशल प्रोविज़न मिला है इन सर्टेन ए सर्टेन फील्ड इंटेलिजेंट एंड बैलेंस डिज़ाइन है फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टेट्स को ऐसे असिमेट्री है उसको गैप को कम करने की कोशिश किया है जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस मिला था आर्टिकल 370 में यह लार्ज प्रिंसली स्टेट्स था ऑप्शन था जॉइनिंग इंडिया और पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान एंड इंडिया फोर्ट ऑफ वॉर ओवर कश्मीर इस सरकमस्टेंसेज में महाराजा ऑफ कश्मीर ने एक्सीट किया इंडियन यूनियन से मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स ने ज्वाइन किया पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर वॉज एन एक्सेप्शन इस सर्कमस्टेंसेज में हायर ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया कॉन्स्टिट्यूशन में तीन कॉनकरेंस ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉ इन द मैटर मेन्शन इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट सो आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को ये स्पेशल प्रोविजन दिए कि वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसका कॉनकरेंस रिक्वायर्ड होगा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन टू ये स्पेशल स्टेटस मिला इन द केस ऑफ अदर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर जो है वो तीन लिस्ट में होती है बट जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर थी लिस्टेड यूनियन लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट थी थाने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी दी थी जम्मू एंड कश्मीर इज मच लेस व लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल थ्री सेवन में सजेस्ट तो ये भी एक यहाँ पे नोटिस हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो अलाउ करते हैं प्रेसिडेंट को विद्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्पेसीफाई करें विच पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट शेल अपलाई टू द स्टेट प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन कॉन्करेंस विद द गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेकिंग लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबल टू द स्टेट तो जम्मू एंड कश्मीर को इस तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए थे आर्टिकल 370 सेवेंटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज के कारण और ये एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिला और एक सेपरेट फ्लैग भी मिला पार्लियामेंट के पास पॉवर था मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ये फुल्ली एक्सेप्टेड था रिमेनिंग डिफरेंस जो था अदर स्टेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर में वो ये था कि यहाँ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेज नहीं डिक्लेयर हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट इम्पोज नहीं होगा डीपीएसपी अप्लाई नहीं होंगे अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तभी अप्लाई होगा जब वहाँ पे कॉन्करेंस होगा लोकल गवर्नमेंट का बट मेनी पीपल बिलीव कि फॉर्मल एंड स्ट्रिक्टली इक्वल डिवीजन ऑफ पावर एप्लीकेबल है टू ऑल यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन इज एडिकुएट अब इस आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बाद ये एक्चुअली जब आया था देट वॉज सेट टू बी अ टेम्पररी प्रोविजन अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज सो दैट इज़ वाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूटिलिटी एंड ऑल करके गवर्नमेंट ने फिर इसे डिसाइड किया कि ये जो स्पेशल प्रोविज़न है दैट हैज टू गो और फिर एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस लद्दाख यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर टाइमिंग फॉर्म है स्टेट वुड रिटर्न होगा और लद्दाख को यहाँ पे सेपरेट करके फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज यहाँ पे इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया मैनी पीपल बिलीव दैट फॉर्मल एंड स्ट्रिक्टली इक्वल डिवीजन ऑफ पावर एप्लीकेबल है ऑल यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन एडिक्वेट है फेडरेशन में शेयरिंग ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट वेन एवर सच स्पेशल प्रोविजन क्रिएटेड सम अपोजिशन भी होता है ऑब्वियसली इतने डिफरेंट पीपल हैं तो देर हैजू बी सर्टेन अपोजिशन

अल्टीमेटली जो पीपल होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं वो डेवलप होती हैं कल्चर सेट ऑफ वैल्यू वर्चूज म्यूचुअल ट्रस्ट टॉलरेशन एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन ये चीज़ें ज़रूरी है एक साथ रहने के लिए फेडरलिज्म सेलिब्रेट करता है यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी नेशनल यूनिटी कैन नॉट बी बिल्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग डिफरेंसेस डिफरेंसेस को आयरन आउट करना है और कन्वर्जेंस के साथ आगे बढ़ना है सच फोर्स यूनिटी ओनली जनरेट ग्रेटर सोशल स्ट्राइफ एंड एलियनेशन फाइनली टू यूनिटी, रेस्पॉन्सिव पॉलिटीज एंड टू द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी कैन अलोन बी देशम तो दैट इज वाई पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए डायवर्सिटी के लिए और जो ऑटोनॉमी है सर्टन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज रिक्वायर्ड ओनली हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ये एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई करें इस लिस्ट से कि विच वन वुड यू आइडेंटिफाई फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म के लिए जरूरी है इनमें से आप बताइए देन थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है फ्यू आर्टिकल्स ऑफ बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन फेडरलिज्म इज विजुअलाइज्ड इन दैट कंट्री बेल्जियम में भी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है स्विट्जरलैंड का डिफरेंट है फेडरल यूएसए का फेडरलिज्म इज डिफरेंट देन यहाँ थ्री हंड्रेड वर्ड्स में सजेशन क्या हो सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मैथड ऑफ रिजॉल्विंग इन स्टेट डिस्प्यूट्स फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए यहाँ पे और क्यों मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया ये हिंदी बोलते हैं तो आइडिया ऑफ फेडरलिज्म जो लैंग्वेज का एक यहाँ पे बात आती है फोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ग्रेटर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को देन द स्टेट गवर्नमेंट वाई आर मेनी स्टेट्स अनहेप्पी अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंट रूल देन डिमांड्स रेज होती है स्टेट्स की इन द क्वेस्ट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी दे वॉन्ट ग्रेटर ऑटोनॉमी स्पेशली इन द केस ऑफ दिस फिजिकल स्पेस सम स्टेट्स भी गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन इससे रिसेन्मेंट भी आता है एक एक डिविजन भी क्रिएट होता है बिकॉज अदर स्टेट्स थिंक की वाई दे आर वाई सम स्टेट्स आर गिवन स्पेशल पावर इक्वेलिटी क्यों नहीं है हेल्प इन फोर्जिंग यूनिटी में ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं रीजन्स ऑफ द कंट्री में सो ट्राई टू आंसर दिस इज़ वेल सो इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट दीज क्वेश्चन बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट फेडरलिज्म इंडिया का फेडरलिज्म इतना यूनिक क्यों है फेडरलिज्म इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है टू ब्रिंग डाइवर्स स्टेट्स डायवर्स कल्चर वो भी जो इंडिया जितना बिग ह्यूज कंट्री के लिए सो मच ऑफ डाइवर्सिटी सो देर देट इज़ वाई कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स और ऑटोनॉमी भी एक सर्टन डिग्री देना जरूरी है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट देन दिस इज डिविजन ऑफ पावर फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये है दिस इज अबाउट वॉट इज फेडरलिज्म क्यों इतना ज़रूरी है इंडिया वाजी फेडरल भी कहते हैं तो ये चैप्टर नंबर सेवन फेडरलिज्म हुआ